हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। आज मैं आपको एक सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओप्पो अपने मोबाइल इंडस्ट्री में यूज करती है, उसका नाम है कलर ओएस। आज मैं आपको कलर ओएस का लेटेस्ट वर्जन कलर ओएस 11 के कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिसमें मैं आपको सबसे पहले आपके मोबाइल को बैटरी को इतनी लॉन्ग लास्टिंग बना देता है जिसका नाम है सुपर पावर सेविंग मोड। जी हाँ, अभी कभी आप मान लीजिएगा कहीं पे गए हुए हैं और आपको लगता है कि आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है, तो आप अपने मोबाइल की बैटरी को बहुत ही लंबे टाइम तक चला सकते हैं सुपर पावर सेविंग मोड को। सेकंड है, मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि एक विंडो यूज कर रहे हैं, साथ में दूसरी विंडो को मिनिमाइज करके आप कैसे यूज करें, जिस फंक्शन का नाम है फ्लैक्स ड्रॉप। उसके बाद यदि जमाना इतनी तेज हो गया है कि आप यदि इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो बाद में वो चीजें शायद भूल जाते हैं। आप यदि कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं और उसमें कोई ऐसा सेंटेंस या वर्ड है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उसका मीनिंग चाहते हैं, तो थ्री फिंगर ट्रांसलेट एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि गूगल लेंस द्वारा बनाया गया है, जिसे ओप्पो ने अपने मोबाइल में यूज किया है, जिसका नाम है थ्री फिंगर ट्रांसलेट। जी हाँ, मैं इसका ऑपरेशन करके आपको बताऊंगा कि कैसे इसे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन है जिसमें आप बहुत सारे थीम लगा सकते हैं, बहुत सारी डिजाइनिंग की क्लॉक लगा सकते हैं, आप ये कैसे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में जो आइकन्स हैं, जो आपके एप्लीकेशन के आइकन है, उन्हें आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमाइजेशन का जमाना है और आप अपने मोबाइल को अपने तरीके से चला सकते हैं। इन सारे ColorOS के लेटेस्ट वर्जन ColorOS 11.1 के फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चेक कर लें, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। यदि नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर दी गई हैं जिससे आपको अपार नॉलेज मिलती रहती है। आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं और इसके ऑपरेशन को आप जरूर जानिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ऑपरेशन पता चल जाए। तो फ्रेंड, मेरे पास है यहाँ पर F19 Pro Plus 5G मोबाइल और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैक्स ड्रॉप क्या है। सबसे पहले ये आपको जान लेना जरूरी है कि फ्लैक्स ड्रॉप का नाम इसलिए रखा गया है कि आप अपने वर्क को बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से कर सके, यानी कि आपको जितना वर्क आप करना चाहते हैं उसे कन्वीनियंट बना सके। तो फ्लैक्स ड्रॉप का मतलब है कि आप कोई भी विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिएगा, आई इसको दूसरा वर्ड जो पिक्चर इन पिक्चर के नाम से भी जाना जाता है। आइएगा इसका ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा अभी मैंने फ्लिपकार्ट ओपन किया हुआ है। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद आप उसको यदि मिनिमाइज विंडो में करना चाहते हैं तो इसका ऑपरेशन ये है कि आपको अपने मोबाइल का जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है उसे देखने के लिए आपको डाउन साइड से अप साइड स्क्रॉल करना होगा, या फिर आपने यदि कीज ली हुई हैं तो जो रिसेंट एप्लीकेशन देखने के लिए की है आप उन्हें प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक ऑप्शन आ रहा है जो कि स्क्रीन से छोटी विंडो बनी आ रही है। यदि आप इस पर ले जाकर इसको छोड़ते हैं तो ये भी एक मिनी विंडो बन जाएगी। यदि आप इस तरीके से नहीं यूज़ करना चाहते तो इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है कि यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहते तो आप मिनिमाइज़ कीजिएगा। उसके बाद मिनिमाइज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर जहाँ फ्लिपकार्ट लिखा रहा है उसके जस्ट टॉप साइड में दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो पॉइंट पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको मिनी विंडो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मिनी विंडो का ऑप्शन पे टैप कीजिएगा। यहाँ से आप देखिएगा, ये मैंने फ्लिपकार्ट की जो विंडो है इसको मिनिमाइज़ कर दिया और उसको फ्लेक्सिबल इसलिए कहा गया है कि अब मैं किसी दूसरी एप्लीकेशन पे यदि काम करना चाहता हूँ, मान लीजिएगा मैं एक अपना MX प्लेयर या कोई वीडियोज़ हैं मेरी या फ़ोटोज़ हैं या ऑडियो को मैं देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सारी चीज़ों को देख सकता हूँ जो कि मैं एक साथ दो एप्लीकेशन पर काम कर सकता हूँ। ये है आपका फ्लैक्स ड्रॉप। दूसरी अगर बात करें फ्लैक्स ड्रॉप के अलावा, तो दूसरा अगर ऑप्शन है तो थ्री फिंगर ट्रांसलेट। मैं फ्लैक्स ड्रॉप को ऑफ कर देता हूँ। इसमें आप मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, और यदि आप इसे टॉप करते हैं क्रॉस भी कर सकते हैं। क्रॉस करने का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, क्रॉस करने का ऑप्शन कहाँ आता है, मिनी विंडो में। आप इसे लेके गए मिनी विंडो में, जैसे आप इसे टैप करेंगे थोड़ा सा वाइड हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ थ्री फिंगर ट्रांसलेट की। तो थ्री फिंगर ट्रांसलेट यदि आपको करना है तो आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके मोबाइल की नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आइएगा देखते हैं थ्री फिंगर ट्रांसलेट कैसे करते हैं। मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर है गूगल क्रोम, गूगल क्रोम को मैंने ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं सर्च कर लेता हूँ।
यहाँ मैंने सर्च किया लियोनार्डो डी कैप्रियो के बारे में, जो कि ओप्पो के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। अब मुझे इसे थ्री फिंगर ट्रांसलेट के ऑप्शन को यूज़ करना है। मान लीजिएगा यहाँ पर मेरे पास एक कंटेंट है या फिर एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। आपको सिंपली अपनी स्क्रीन पे थ्री फिंगर को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, और जितना भी आप एरिया को ट्रांसलेट करना चाहते हैं उतने एरिया को आप कवर कर दीजिएगा। कोशिश करें स्पेसिफिक एरिया को ही ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आपको मिले। तो यहाँ पर ऊपर की साइड जहाँ पर दो एरो बने आ रहे हैं, इसके नीचे देखिएगा ट्रांसलेट का ऑप्शन लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस ट्रांसलेट के ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है ये टोटली हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर गूगल लेंस के नीचे लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश टू हिंदी। अब मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही हिंदी के ऑप्शन पर टैप करूँगा तो मुझे यहाँ से जितनी भी लैंग्वेज हैं वो मैं ट्रांसलेट के लिए यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं तेलुगु लैंग्वेज चूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो कंटेंट है मेरा तेलुगु में चेंज हो गया है। इस तरीके से आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें, जैसे कि मैं एक बांग्ला में चेंज करना चाहता हूँ तो ये बांग्ला में चेंज हो गया है। किसी भी कंटेंट में किसी भी लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर सेंटेंस को कर सकते हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स को कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद ये जो कंटेंट है, मान लीजिएगा आपने कहीं इसे कॉपी करके पेस्ट करना है, जैसे कि कोई इमेज मैं आपको सर्च कर लेता हूँ। मैं दूसरे तरीके से आपको बताना चाहूँगा, मैं एक सर्च करता हूँ यहाँ पे मोटिवेशन कोट्स। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज सर्च की है और इसमें एक इंग्लिश में कोटेशन लिखी हुई है, यदि मैं चाहता हूँ इसे मैं अपने स्टेटस पे लगाऊँ या फिर किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करूँ, तो और वो भी मैं हिंदी में या डिफरेंट लैंग्वेज में, मुझे यहाँ पर सिर्फ थ्री फिंगर ट्रांसलेट के लिए अपनी थ्री फिंगर्स को लॉन्ग प्रेस करना है स्क्रीन पे। उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया जिसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उसमें मुझे ट्रांसलेट के ऑप्शन पे टैप करना है। ट्रांसलेट के ऑप्शन को जैसे ही मैंने टैप किया तो ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। हर सुबह आपके पास दो विकल्प होते हैं, अपने सपनों के साथ जारी रखें या जागें और उनका पीछा करें। तो या तो मैं इसे यहाँ से देखिएगा नीचे की साइड ऑप्शन आ रहा है आपके पास कॉपी ऑल, तो मैं जैसे ही कॉपी करूँगा तो ये क्लिपबोर्ड कॉपी हो गया है। अब मैं इसे कहीं भी पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर पेस्ट करने के लिए, ये मैंने एक नोटपैड निकाला और यहाँ पर जब मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो सीधा पेस्ट के ऑप्शन पे आया, और जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये कंटेंट मेरा पेस्ट हो गया। इसी तरीके से आप व्हाट्सअप का स्टेटस लगा सकते हैं या फिर कहीं पे भी कोई भी आपको चीज़ ऐसी है जो अपनी लॉन्ग मैसेज के अंदर सेव करनी है तो वहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसका नाम है थ्री फिंगर ट्रांसलेट, जो कि गूगल लेंस की मदद से होता है और बहुत ही ईजीली आप अपनी कंटेंट को रीड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे फंक्शन की, जिसका नाम है कस्टमाइज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यानी कि AOD। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बेसिकली यूज़ होता है कि जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं और उस टाइम पे भी आपको आपके मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके आइकन शो करें, या फिर आपने अपने अकॉर्डिंग जो वॉच लगा रखी है वो वॉच वहाँ पर ऑफ स्क्रीन पे भी दिखाई देती रहे। तो आइएगा देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कैसे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन आ रहा है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पे जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो ये एक एनिमेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद आपके पास इस तरह का, जब आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तब आपको ये एग्जैक्ट आपका जो टाइम है, डेट है, या किस किस एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आया है या बैटरी परसेंटेज है वो इस तरीके से शो करेगा। लेकिन यदि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ से जो डेट, नोटिफिकेशन और बैटरी का ऑप्शन है, यदि मैं डेट हटा देता हूँ तो वहाँ पर डेट रिमूव हो गई है, नोटिफिकेशन हटा देता हूँ तो जो जो एप्लीकेशन थी वो नोटिफिकेशन हट गई है, और बैटरी की साइन हटा देता हूँ सिर्फ वहाँ टाइम रह गया है। यदि मैं कभी भी अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ करता हूँ तो इस तरीके से मेरे मोबाइल पर टाइम शो होगा। तो कभी भी आपको यदि टाइम देखना है तो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन को वेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अपने अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा आइकन डिज़ाइन की। आइकन डिज़ाइन का ऑप्शन आप कस्टमाइजेबल थी, चीज़ें बहुत आ रही हैं, आप अपने मोबाइल में अपने अकॉर्डिंग आइकन को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आइकन के साइज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। सबसे पहले या तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दो उंगलियों से पिंच करेंगे तो नीचे की साइड यहाँ पर वॉलपेपर के बाद सेकेंड ऑप्शन आ रहा है आइकन। जैसे आप इस आइकन पर टैप करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें डिफ़ॉल्ट सेट होता है या मटेरियल स्टाइल है, पेबल स्टाइल है, और अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
मैं डिफ़ॉल्ट पे सेट करता हूँ, तो जो डिफ़ॉल्ट आइकन थीम है वो आपके सामने होगी। यदि आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप कस्टम के ऑप्शन पे जाएं, कस्टम के ऑप्शन पे। लेकिन इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो आप कैसे यूज़ करें। सेटिंग के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पर पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप टैप करें। यहाँ पर आइकन थीम वॉलपेपर और उसके नीचे आ रहा है आइकन स्टाइल, आइकन स्टाइल पर आप क्लिक कीजिएगा, सेम विंडो पर आप पहुँच जाएंगे। इसमें आप जब कस्टमाइज़ करेंगे तो इसमें कस्टमाइजेशन के लिए आपके पास चारों ऑप्शन मिल जाएंगे, ये चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इवन ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर भी काम करता है। उसके बाद इसमें जो फोरग्राउंड है, यदि आप वो थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, देखिएगा जो इंटरनल आइकन्स हैं वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम का आइकन है जो कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। बाकी यदि आप आइकन के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं आपकी आइकन के नीचे यानी कि एप्लीकेशन के नीचे जो नाम लिखा रहा है वो ना दिखाई दे तो आप बिल्कुल इसे लास्ट में कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर कोई भी नाम नहीं आ रहा है। और यदि आप नाम चाहते हैं कि बहुत बड़ा दिखाई दे तो इस तरीके से आप बहुत एक्स्ट्रा लार्ज भी नाम देख सकते हैं। ये बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं कलर ओएस 11.1 में। और भी बहुत सारे पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस हैं जिसका मैंने एक स्पेशल वीडियोज़ बनाई हैं जो आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो फ्रेंड कलर ओएस 11.1 के ये बेस्ट फीचर मैंने आपको बताया, ये कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इनमें से कौन सा फीचर आपने अभी तक यूज किया है मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।